चल रहे अपराधियों के धरपकड़ को, उस समय थाना अलगत की पुलिस को उस समय कामयाबी मिली जिस समय सीओ बलदेव सिंह चेकिंग कर रहे थे और दो अभियुक्त खड़े दिखाई दिए। शक के आधार पर जब पकड़ा, पकड़ने के बाद जब जमा तलाशी ली तो 45 लाख रुपए की निकली अफीम और 225 ग्राम स्मैक भी निकली, जिसमें अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 45 लाख रुपए बरामद की गई। सुनते पूरा मामला। और सूचना पर हम लोग लगे 21 तारीख की शाम को जब हिमाचल अपराधियों के खिलाफ हमारे थाने पर दर्ज कर रहे थे, तभी पता चला था कि ये ज्वेलर है, इसके दुकान के पास में दो लोग अवस्था में सामान दे रहे हैं जो नशीला पदार्थ हो सकता है। इस बिना पर हमारे थाना क्षेत्र में अपनी टीम के साथ मुनासिब बीती रात जिला अधिकारी का अचानक निरीक्षण, जिला अस्पताल के डॉक्टरों की गले की हड्डी बन गया। आप देख रहे हैं गंदगी पाई जिला अस्पताल में, डीएम ने रात में निरीक्षण करा, गंदगी पाई। गंदगी पाने के बाद सीएमएस केशव स्वामी की कड़ी फटकार के साथ साथ जेई को भी तलब करा। उनका ये कहना था हर हालत में गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि गोपनीय तरीके से निरीक्षण करने के बाद काफी कमियां पाई गई। हालांकि मरीजों से भी उन्होंने बात करी, बात करने के बाद में जब वो पहुंचे दूसरी मंजिल पे तो आप ये देख रहे हैं ये गंदगी का अंबार लगा हुआ। लेकिन जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी की सख्त कार्यशैली उस समय रंग लाई जो सुबह सूरज निकलने से पहले काम हो गया चालू। आप देख रहे हैं ये वही नजारा है जहां पर गंदगी लगी थी, लेकिन सुबह होते ही फौरन आनन फानन काम लग गया। जिलाधिकारी की बेहतरीन कार्यशैली, जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी की बेहतरीन कार्यशैली। बीती रात निरीक्षण करा, निरीक्षण करने के बाद और आनंद फानन आदेश दिया। सुबह होते ही जिला अस्पताल का नजारा आप देख रहे हैं, ये महिला है, महिला ओपीडी में काम चालू, झाड़ू दीवारों पर लग रही है, क्या क्या नजारा हो रहा है, कैसी कैसी सफाई हो रही है, आप खुद देख सकते। यह है जिला अधिकारी अमृत त्रिपाठी का खौफ। कोतवाली क्षेत्र की कस्तूरबा विद्यालय की छात्राओं को अचानक बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ने के बाद में आनंद फानन जिला अस्पताल में लाया गया। आप देख रहे हैं कस्तूरबा विद्यालय की ये छात्राएं हैं, आपको बता दें कोतवाली क्षेत्र में पढ़ता है, अचानक इनको बुखार चढ़ गया जिसमें शिका, रूबी, हिमांशी, सुनीता, अनिशा और उसके बाद में रूबी के साथ में परी, रिचा, कस्तूरबा नगर क्षेत्र में जो पढ़ता है कोतवाली क्षेत्र में अचानक बुखार आ गया। बुखार आने पर इन लोगों को सबको जिला अस्पताल में लाया गया जहां पर शिका की स्थिति नाजुक बनी हुई थी। हालांकि डॉक्टरों ने आनन फानन बच्चों को देखा, बच्चों को देखने के बाद में उनके परिवार वालों को भी सूचना दी गई। आपको बता दें एक दफा फिर देखिए, लेकिन बच्चों को बाहर बिठाया गया। आप ये देख रहे हैं सरकारी जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर में इतनी भी जगह नहीं कि बच्चों को अंदर बिठाया जाए, बच्चों को बाहर बिठाया गया। सुनते पूरा श्रद्धा मिश्रा, ये बता बेटा ये इतने बच्चे को बुखार रात आया या पहले आ रहा था? अच्छा, ये 8-9 बच्चे एक साथ आए, सबको बुखार आ गया। अच्छा, खाया क्या था रात बेटा? अच्छा, कम्बल अम्बल मिलता वहाँ मैडम देती ओढ़ने के लिए? सब मिलता। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब